और चांद नजर आया क्या? चांद हम तो नहीं देखे। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं क्या कि आप करवा चौथ नहीं किए। पानी पिए आप? पानी पीने वाले थे अभी, गर्म करने कौन दिया था, हम ही दिए थे ना। तो करने से ही होता है कि पीने से भी होता है। बिल्कुल पीना। एक ग्लास आपका दो जल्दी। क्या चीज? जिम। जिम जाएंगे ना 7 बजे। विशाल जी पूछ रहे शायद आज मंगलवार है। हाँ ऑफिस रहता है शायद, पूछते हैं। चलो धन्यवाद। सुबह उठने के साथ मोबाइल शुरू है। एक पोस्ट किया उस पे जो कमेंट आया वो उसको रिप्लाई करें। बहुत बढ़िया, चाय पी लो बाद में करना ये सब। यहाँ पे जी हम अपने किचन में सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम रात में ही हारपिक लगा के छोड़ दिए थे, सोचे थे सुबह साफ करेंगे और रात में हम किचन की सफाई करके सोते हैं, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हमको काम करते करते, तो इस वजह से हम नहीं कर पाए थे। वैसे तो हम रात में ही साफ करके सोते हैं, इस वजह से भी कि सुबह उठते ही बहुत सारा काम हो जाता है तो लेट हो जाता है, लेकिन रात में नहीं कर पाए थे इस वजह से अभी हम किचन की सफाई कर रहे हैं। तो जी हो गया हमारे किचन की सफाई, आप देख सकते हो उतना तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत हो गया है। हम सोच रहे हैं कि हफ्ते में एक दो बार करते रहेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा हो जाएगा कंप्लीट। फिर जी जैसे ही हमारी सफाई हो गई तो फिर हम डैडी को नाश्ता दे दिए, और जब नाश्ता दे रहे थे उस टाइम तक पतिदेव भी आ चुके थे। पतिदेव मेहंदी लेके आए थे उस दिन, तो मेहंदी लेके नहीं आए थे, इस वजह से हम बोले थे अब आपको मेहंदी लगाएंगे ही नहीं। पतिदेव बोलते हैं अब तो मेहंदी लेके आए, अब लगा दो। ऐसे हम मंथ में एक बार इनको मेहंदी लगा देते हैं, वैसे तो बाल पका है नहीं फिर भी हम लगा देते हैं। और जी जब हम मेहंदी लगा रहे थे पतिदेव को, तो आप देख सकते हो एक पल भी नज़र नहीं हट रहा है इनका लैपटॉप से, अपना कोई कोर्स लगा लिए हैं और देख रहे हैं। हम बोले कोई ये काम करवा लो आप, या तो कोर्स देख लो या तो मेहंदी लगवा लो। बोलते हैं हम दोनों काम एक साथ करेंगे, तो बोले ठीक है करो मेरा क्या है। The next day. तो पतिदेव कैसा लग रहा है वर्कआउट करके? हालत खराब है। हालत खराब है क्यों? डेली करते फिर भी हालत खराब है? अरे आज कुछ अलग करवा दिया। अच्छा, और वो उठाने में यहीं पर मालिश कर दें। जल्दी करो। जल्दी करो। वर्कआउट करके आते हो आप जिम से और घर में हमसे वर्कआउट करवाते हो? बिल्कुल, वहाँ भी एक्सरसाइज यहाँ मालिश। चलो बहुत बढ़िया। सीटी बंद हुई है। तो जी हो गई है मालिश, पत्नी महारानी ने अच्छे से मालिश कर दिया है और जाते हैं नहाने। कैसा फील हो रहा है? थोड़ा सा अब लग रहा है आराम है, लेकिन राजा वाला फीलिंग आ रही है कि नहीं? थोड़ा सा दर्द अभी भी है। सिटी ही बदल रहा है तुम्हारा। सरसों का साग बना रहे आप ही के लिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद है ना। इनको हरा सब्जी कोई भी पसंद नहीं है, लेकिन जो किसी को पसंद नहीं है वो इनको पसंद है। साग साग बहुतों को पसंद है जी, आपको भी पसंद है ना, कमेंट कर। सिटी बजेगा जी, चलते हैं नहाने फिर जी। अब नहा चुके हैं और नहा के एकदम तैयार भी हो गए हैं। बहुत ज्यादा भूख लग गई है, बहुत ज्यादा तेज, तो हमें भी भूख लगी है। वही हम सोच रहे हैं कि कब खाना लगेगी, जल्दी खाना लगेगा। बहुत बढ़िया, इतना लेट करते हो। जल्दी लाओ। कन्हैया भैया लीजिए, रुकिए थोड़ा, हम आते हैं उधर। ये खाइए, केक है वहां से मिला है। ये हम जो है वीडियो बनाते हैं ना, वहीं पर लगभग 50,000 लोग जुड़ गया है हमसे, तो उसी का खुशी में कल केक काटे हैं। खाइए और बताइए कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कन्हैया भैया खा रहे हैं और अब हम लोग भी खाने चलते हैं। तुम क्या कर रही हो वहाँ पर? तुम क्या देख रही? वाह सही है, सब चुन लो। अच्छा एक साथी भी है उधर। प्रभु क्या करता है, चुन के बेचता है? कहाँ कबर खाना? अब हमारा भी खाना लग गया है और देखते हैं खाने में क्या क्या है। दाल साग भिंडी दही और इधर चावल।
फिर जी हम लोग साथ में खाना खाने बैठ गए। वैसे तो हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं, ये बात अलग है कि जब लड़ाई होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम नहीं खाएंगे आपके साथ, लेकिन फिर भी साथ में ही खाना खाना पड़ता है, क्योंकि यदि हम उस दिन अलग खाना खा लिए तो दिन भर ताना सुनने को मिलेगा कि तुम तो आज अकेले खाई हो, तो इस वजह से साथ में ही खाते हैं। और जी आजकल तो खाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। ऐसा क्यों जी? आजकल जिया दही नहीं खा रही है ना, इसका सारा दही हम खाते हैं। अच्छा, जिया पहले कौन सा ज्यादा खाते थे हम? वो बात अलग है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत जिया खाती थी वो भी आजकल नहीं खा रही है। जिया को हो गया जुकाम तो जिया तो खा नहीं सकती, इसके हिस्से का सारा दही हम खा लेते हैं। One eternity later. और क्या चल रहा है? चाय बना रहे हैं, तुलसी वाला। तुलसी वाला चाय है? ये हमको भी दे देना, गला दिख रही है मेरा भी भारी हो गया है। हमको तो लगता है सर्दी इस दिन हम छोड़ भी नहीं करेगा, इतना दिन सर्दी हुए जा रहा है, छूट ही नहीं रहा है। लेकिन हमको भी हो गया है, पहले था नहीं। लगता है मेरे साथ रहते रहते हो गया। हाँ, संगत का सर। और चांद नजर आया क्या? चांद हम तो नहीं देखे, हम देखे दो तीन बार लेकिन नजर तो नहीं आया। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं क्या कि आप करवा चौथ नहीं किए, तो हमारे इधर नहीं होता है, इस वजह से हम नहीं करते। और हाँ, इतना सारा कमेंट आ रहा था। हाँ, तो हमारे इधर नहीं होता है तो हम नहीं करते हैं, जो नहीं हुआ है वो हम स्टार्ट नहीं करना चाहते। नहीं हमारे मायके में होता है, नहीं हमारे ससुराल में होता है, और हमारे यहाँ होता है जो हम करते हैं, तीज, वट सावित्री, ये सब हम करते हैं। बिल्कुल जी, बस खाली एक चीज देखे, नैन्सी दीदी है हमारी। हाँ। जो मेरी कजन है वो करती है, उनके यहाँ होता है तो वो करती है, उनके ससुराल में होता है ना, इस वजह से लगता है चाय बन गया। हाँ, थोड़ा सा और होता। ठीक है, चलो तब जल्दी से बनाओ। पतिदेव ये रहा आपका चाय, तुलसी वाला। ओहो, सही है। थैंक यू बोल दो। थैंक यू सो मच जी। हमारा आ गया चाय और अब हम अपना चाय पीते हैं, फिर काम पर लगेंगे। और इस व्लॉग को हम लोग जो है अब यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में। अगर यह व्लॉग आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करके एक सपोर्ट कर दे छोटा, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। और तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि आपकी उस शेयर से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है हमें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।